तो मैं कह रहा था ना, जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। कौन कौन जानता है इंडिकेटर कहाँ होता है बेटे? इंडिकेटर चश्मे वाले भैया इधर आओ, मुन्ना इधर आओ, जल्दी आ जाओ। उठ पाओगे भैया? उड़ नहीं पाएंगे, कह रहा था ना पहले। सर इंडिकेटर क्या होता है? लेफ्ट और राइट में अगर जाना हो तो एक लाइट की व्यवस्था होती है जो हो जाती है जोरदार ताले बजाओ। एक और लाइट होती है जो चारों लाइट जलती है, उसके बटन से क्या कहते हो? पार्किंग लाइट। बहुत बढ़िया, फॉग लाइट, पार्किंग लाइट बोलो। ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, आप क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ? नाम कितना अच्छा है ना, निश्चय नाम है सर का, और निश्चय करके एक शानदार व्यवस्था आपको दिए। जोरदार सर के लिए ताले बजाओ ना। और ढंग से पढ़ाई करोगे तो निश्चिंत हो जाओगे आप भी, ठीक है? बोलो सड़क सुरक्षा, वेरी गुड। जान बचाएंगे ना, क्यों जरूरी है जान बचाना? कोई बताएगा? चलो मैं ही बताएगा। एक बात को सुनोगे तो खामोश हो जाओगे, फिर आराम से समझना इस बात को। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उस छोटे से बच्चे ने मुझे कुछ लाइनें लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और सारी दुनियादारी झूठी है बेटे, अगर पापा मम्मी में से कोई नहीं रहता ना तब उनकी वैल्यू पता चलती है कि चॉकलेट के तो बस आपके बिना सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन। क्वेश्चन पूछोगे नहीं आज, हम खुद पढ़ाई में भी क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तालियां फिर कमजोर रह जाती तो हर बार बता रहा था। बेटियों को भी मजबूत और इज्जत क्यों करते हैं पता अपन? क्योंकि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उसको एक्सक्यूज ले, उसका सोचे कि माफी मांगे और अच्छे से दोबारा ना दोहराए उसको। एक बार मैं छत से गिर गया था, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। कई लोग सही सोचते हैं मेरी तरह, लेकिन जैसे सर हैं जो अपने को कितनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, हमारे साहब हैं और आपकी मैम है, माता पिता है, वो कहते हैं कि गिरना कोई बात नहीं, ठोकर लग जाती है। गिरते क्या क्या चीज है? सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म। अब तालियां और तेज हो। तो मेरे साथ बोलो क्या क्या गिरता है? सरकारें गिरती है, जीवन का कर्म है, गिरना जीवन।
नंबर भी डिसिप्लिन से आएंगे, पढ़ाई भी डिसिप्लिन से करेंगे और अच्छे नंबर में आएंगे तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा भाई मैम कह रही मेरे डर के मारे लाइट जा रही है, मैं इतना डरावना हूं और ये बात आप मेरी मैडम के सामने कह रही हो, ज्यादा डरावना हूं क्या? तालियां बजाओ भाई सबके लिए, मैम के लिए। देखो बेटे भले ही कई बार अपने छोटे शहर होते हैं या कोई जगह होती है वहां व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं होती, लेकिन आप मेट्रो सिटी में जाओगे और बड़ी जगह जाओगे विदेश में पढ़ोगे तो आपको नॉलेज तो पूरी होनी चाहिए ना, आपको ट्रैफिक रूल सब जगह एक जैसे ही मिलेंगे, हेलमेट का वही रूल रहेगा, सीट बेल्ट का वही रहेगा, स्पीड का भी वही रहेगा। और दुबई वगैरह में तो इतने कड़े कानून है कि आपकी तनख्वाह जितनी होगी उतने तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी और सब पेनल्टियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात है जान का रिस्क है, आप गिरे लग गए, आप हो सकता है अभी तो छोटे हो, शुरू शुरू में अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आए थे तो कोई नकार दिए कहते ना पतले से थे, कोई फिल्मों में नहीं ले रहा था, अब वो महानायक हो गए। अभी आप कई बच्चे ऐसे लगते हैं कि भाई मैं फिट नहीं हूँ सर, अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके अंदर पता नहीं कितनी संभावना है, आप भी महानायक बन सकते हो। अगर आज ही एक्सीडेंट से जान चली गई तो वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी ना, तो जोरदार अपने जोश जुनून को कायम रखेंगे लेकिन रोड पे धीमा चलेंगे। तालियां बजाओ एक बार सर के लिए, कुछ कहना तो कहो, बैठो बैठो। थोड़ा सा पीके जी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं अपन, शायद अपन पहली बार मिल रहे हैं, आवाज आ रही है? मैं ट्रैफिक डिवाइस में नेत्रपाल सिंह नाम है मेरा, आपने सुना भी होगा, हम काफ़ी एक्टिविटी करते रहते हैं आपकी, जैसे आपका बड़ा सेक्टर 11 का आलोक स्कूल है ना, वहाँ पर अक्सर हमारा। चलो भाई अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत करने की कला मुझे आती है, शादी के बाद मैंने खुद को कितना शांत कर रखा है। तालियां बजाओ यार, आज डर गए नहीं तो। शराब, शराब ड्रिंक और पीते हैं कई, एक को हमने रोका, मैं कहा भाई साहब क्यों पी रखी है, बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में दो डोज लेके चलो, मगर दो डोज पटियाला वाली थोड़ी गई थी। ठीक है गाने पहले कितने अच्छे आते थे, ए भाई
जरा देख चलो आगे ही नहीं पीछे ही ऊपर ही नहीं, क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, यहाँ हर किसी को ऊपर से नीचे को दाएं से बाएं को आना जाना पड़ता है, तो आना जाना स्पीड लिमिट कम करके होना चाहिए। तेज नहीं भोगते हम लोग, तेज भोगते हैं, और कई बार तो मोबाइल से बात करते करते ही हूँ मैं आ रहा हूँ वो पता नहीं चलता भगवान से बात कर रहा है या भगवान से कर रहा है, हालांकि बात दोनों यही है। वैसे बताऊं मैं एक चीज आपको हंसते हंसते समझा रहा हूं तो समझ में आ रही है ना, तो अपने को स्पीड लिमिट समझ ली, अपने हंसते हंसते लाइट समझ ली, और क्या होता है सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, एक्सीडेंट होता है तो बाइक में नुकसान किससे होता है, हेलमेट नहीं होता है, तब हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ, मोटा मेरे जैसा, एक बच्चे से पूछे कैसा होता है, बोला सर मजबूत, कैसा मजबूत, आपके पापा जैसा, बोला हाँ सर, तो उसके बगल में दूसरा बच्चा बैठा था उसका पड़ोसी था, बोला सर इसके पापा मजबूत नहीं है, क्यों नहीं है भाई, बोले इनकी मम्मी ज्यादा मजबूत है। मजबूत कितनी भी हो बेटे, रोड पे सर ज्यादा मजबूत नहीं होता किस काम, गिरते ही चोट लगेगी तो समझ लो 99% डेथ होता ही उससे, तो हेलमेट मजबूत होना चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए, स्ट्रिप लगी हुई होनी चाहिए, स्ट्रिप क्यों लगाते हैं, जैसे वो निकल के नहीं भगे, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी करते हैं तो गठबंधन करते हैं ना, ताकि वो बेवफा दूल्हा भगे नहीं, वरना तो हेलमेट दूल्हा खोपड़ी दुल्हन वो छोड़ के भाग जाएगा, मुझे बताते हैं अगर स्ट्रिप होगी अच्छे से गठबंधन होगा तो बच जाएंगे ना, तो हेलमेट कैसा होना चाहिए, आईएसआई मार्क, एक बीआईएस का नाम किसने सुना है, आईएसआई का ही नाम बदल के बीआईएस कर दिया था, उसमें पहले ठप्पा लगाते थे फिर नंबरिंग देने लगे, तो हेलमेट का नंबर कितने का आया, बीआईएस मार्क का 4151, और फिर उसका QR कोड होता है तो उसकी रेट भी पता चल जाती है, रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कई बच्चे कहते हैं पिंकू लेंगे सर, पिंकू पिंकू टिंकू पिंकू को कुछ भी हो कैसा भी रंग हो मजबूत होना चाहिए, है ना, अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जरूरी नहीं अगर बाहर विदेश का हो उसमें ISI BIS नहीं हो तो वहां की QR कोड तो होगा ही, बोलो जय श्री राम, तो भाई जय श्री राम अपनी आवाज आ रही है ना, तो क्या रह गया, हेलमेट कैसा होना चाहिए, बोल नहीं यार कैसा भी हो चाहिए मगरमच्छ जैसा हो, लेकिन लगा के दोनों सवारी लगानी चाहिए, कोई सभी गिरेगा तो सर तो दोनों की है ना, दूसरा नहीं एक को लगा तो रखा है, दूसरा गिरेगा तो बच्चे के भी लगता है, 4 साल की एज से लग जाता है, 4 साल का बच्चा इतना ही हेलमेट इतना ही गोल करो, हेलमेट में रखो स्कूटी खोली लाला अंदर प्राण बाहर, ऐसा नहीं करना है ना, कभी बाबूजी बन जाओ हुआ तो अपने को क्या क्या चीज सीखी अपने, हेलमेट लाइट्स, शराब पी के नहीं चलाना चाहिए गाड़ी, आप तो नहीं पीते लेकिन जो पीते हैं उनकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत सारे घर खराब होते, बेटा आप तुम बात कर लो, जो बच्चे आपस में बात करना चाहे वो कर लो, हाँ क्योंकि मैं तो वैसे ही आया हूँ बेटे, जैसे लाइट आई थी ना थोड़ी देर की, तालियां बजाओ बेटे, फिर कोई सीटी बजाता है, मेरा बच्चा कोई पिंचर है, ये पिंचर लीक है इसके सांस की वजह से कमजोरी है, चलो अपन ने क्या किया, लाइट पढ़ ली, अब होती है एक सीट बेल्ट, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो झटका लगती है गाड़ी रुकेगी आपको सर लगेगा शीशे में, कोई वो सर मजबूत होता शीशा तोड़ के अच्छा बोनेट पे यमराज बैठे और आ जा थोड़ा और आ जा है ना ऊपर ले जाओ, अभी तो बैंड भी नहीं बजा उससे पहले बैंड वाला बज जाएगा है।
बहुत अच्छा आदमी था। तो अपने को क्या करना है, सीट बेल्ट लगानी है। सर आगे जोरदार तालियां बजा दो भाई। तो हमने आपको पढ़ाया लाइट्स। लाइट्स कितने तरह की होती है, रेड येलो। अच्छा लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बत्ती। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही कहा, बत्तियां ही तो कहते हैं। तो अगर तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती होगी, अगरबत्ती। पांचवी कौन सी होगी, मोमबत्ती। तालियां कमजोर है मेरे बच्चों की। गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग की जगह पे खड़ी करा करो, कम पैसे लगते हैं वहां। अगर मान लो गाड़ी क्रेन उठा लेगी तो क्रेन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। फिर आपसे लाइसेंस नहीं होगा मान लो, फिर दिक्कत 5,000 रुपए की। अच्छा छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज चलाते हैं और नाबालिग होते हैं, माइनर बच्चे 18 साल से कम जिनका लाइसेंस नहीं होता वो चलाते हैं, तो उनके साथ नुकसान क्या हो सकता है पता है, 25 साल तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो आप चाहते हो क्या, आपने पापा अभी तो सुंदर लगते हैं आमिर खान जैसे चॉकलेटी, फिर बाद में 3-4 साल बाद निकलेंगे तो नाना पाटेकर आता माजी सटकली, ऐसे थोड़ी चाहिए पापा। तो उनकी गाड़ी उनके भले नाम है तो जिद नहीं करना कि ये गाड़ी मैं चलाऊंगा। 18 साल के हो जाओ तब तक साइकिल चलाओ, पैरों में मजबूती आएगी। एक ग्रीन वाली जो गाड़ी आ रही है ना आजकल ई, जिसपे ग्रीन प्लेट होती है, उस पर कईयों को भ्रांति है कि इस पर हेलमेट लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर उस गाड़ी की वाट कम है और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नहीं लगानी। मतलब वैसे तो लगानी चाहिए पर आप एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन अगर उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो आपको सब चीज वही लगेगी जो बाइक पे लगती है, स्कूटी पे लगती है। कभी आप जिद करने लग जाओ तो अवेयरनेस जरूरी है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो